हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द डिजिटल ओशियंस पर। आज हम लोग टॉपिक करेंगे एचटीएमएल प्रोजेक्ट ऑन पॉल्यूशन कंट्रोल, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। ये 10th और 12th दोनों का प्रोजेक्ट है। आप 10th क्लास में इस प्रोजेक्ट को बना सकते हैं और 12th क्लास के लिए भी इस प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है जो मोस्टली स्टूडेंट्स को मिलता है कि भाई इस टॉपिक पे आप प्रोजेक्ट बनाओ। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे ये प्रोजेक्ट बनाना है। साथ ही में आपको ये प्रोजेक्ट का डाउनलोड लिंक भी दूंगा कि आप डाउनलोड करके आसानी से इसको अपने स्कूल में सबमिट कर सको और इसको अच्छे से समझ सको। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि कैसे ये प्रोजेक्ट बनेगा। तो हम ले लेते हैं, नोटपैड फाइल ओपन कर लेते हैं और नोटपैड में हम कोड लिखना शुरू कर देते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर लिख देते हैं हम एचटीएमएल का फटाफट। ये हमने बेसिक स्ट्रक्चर लिख दिया एंड बॉडी हेड के अंदर हम टाइटल रख देते हैं। टाइटल हो गया हमारा होम पेज। तो सेव इसको हमने सेव कर लिया एचटीएमएल प्रोजेक्ट 10th क्लास। इस तरीके से आप ना डायरेक्टरी बनाते हैं, डायरेक्टरी बना रखी है पॉल्यूशन, और इसमें जब होम पेज आप सेव करोगे तो उसको आपको सेव करना है index.html के नाम से। जो हमारा होम पेज होता है वो इंडेक्स पेज होता है, मेन पेज होता है। ये हमने सेव कर दिया। अब देखो हमें कुछ इस तरीके का बनाना चाहते हैं, ये कैसे बनेगा। इसमें सबसे पहले हमें लोगो चाहिए। तो लोगो मैंने ऑलरेडी इंटरनेट से निकाल लिया है, तो आप कोई सा भी लोगो इंटरनेट से निकाल के लगा सकते हो। तो देखो करते हैं स्टार्ट। गए हम इस पे बॉडी के अंदर, हमने लिखा टेबल टेबल और हमें 1 2 3 4 5 6 कॉलम बनाने हैं एक रो के अंदर। तो हमने एक रो बना ली tr। उस रो के अंदर हमने क्या करा, एक कॉलम क्रिएट कर लिया टीडी और इसको हमने लिख दिया कॉल स्पैन 6। इस टेबल को जो है हमने विथ दे दी, विथ स्टाइल दे दी स्टाइल विथ 100%। और हमने इसको रो को हमने दे दिया बैकग्राउंड स्टाइल बैकग्राउंड ट्रिपल ग्रे कलर। आप चाहो तो ग्रे भी लिख सकते हो। इस टीडी के अंदर क्या करते हैं, इमेज लगा लेते हैं हम img src इमेजेस। मैंने एक इमेजेस नाम का फोल्डर बना रखा है और वहां पर मैंने अपनी इमेजेस रख रखी है। तो मैं लिखा लोगो डॉट png। इतना हमने कर लिया, इतना रन करके देख लेते पहले क्या बना क्या। ये देखो ये कैसे कुछ लोगो लगा है। इस लोगो का क्या है, हमें साइज कम करना और इसको सेंटर में करना है। ये देखो इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड भी आ रहा है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, अच्छा सा लोगो निकाल कर वो लगा लेना, थोड़ा अट्रैक्टिव सा है। लोगो तो बढ़िया है लेकिन इसमें बैकग्राउंड आ रहा है तो मैंने एडिट नहीं किया, तो आप लोग देख लेना इसे। तो इसको सबसे पहले हम कर देते हैं हाइट दे देते हैं स्टाइल हाइट। हाइट मैंने इसको दे दिया कि भाई मुझे जो है ये 80 पिक्सल में चाहिए। और साथ ही मैंने इसको कर दिया अलाइन सेंटर, ज्यादा छोटा हो गया ये। अच्छा ठीक है, ये हमारा बन गया हेडर।
इससे कंपेयर करें तो इतना ही है ये भी कि ये हमारा एक पार्ट बन गया। इसके बाद हमें क्या करना है, ये बनाना है, जिसमें हम मेन्यू रखेंगे होम, लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। तो ठीक है, एक रो हमारी कंप्लीट हो गई, हमने दूसरी रो क्रिएट कर ली, टी आर। और इसके अंदर हमने क्या करा, टी डी एंकर टैग, जिसको हमें पेजेस लिंक करने हैं। रख दिया होम, इसी को कॉपी कर लेते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6। इसको रख दिया होम। इसके बाद है हमारा लैंड पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के बाद हमारा वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, फिर लास्ट में कॉन्टैक्ट भी बना लेते हैं। आगे लिंक, अभी लिंक का कलर मैं चाहता हूँ ब्लैक हो जाए, और ये सेंटर अलाइन है, और साथ ही साथ में अंडरलाइन रिमूव करना चाहता हूँ। ठीक है, सबसे पहले इसको सेंटर अलाइन कर देते हैं, अलाइन सेंटर, इसी को हमने कॉपी कर लिया सबके लिए। ये हो गया सेंटर लाइन। अब हमें जो है अंडरलाइन रिमूव करनी है, तो मैं यहाँ पे जो है इंटरनल सीएसएस यूज कर लेता हूँ, ताकि एक साथ सबकी अंडरलाइन रिमूव हो जाए। ये आपके अंदर टॉपिक है एचटीएमएल टर्म 2 के अंदर, ये टॉपिक है कि सीएसएस के बारे में बताओ, इसमें है ये, तो कोई इशू नहीं, आप ऐसे सीएसएस यूज कर सकते हो। लिखा टेक्स्ट डेकोरेशन, हटके मैं चाहता हूँ थोड़ा सा स्पेस और ब्लैक कलर आ जाए, देखो थोड़ा सा स्पेस है इसको और ब्लैक कलर चाहिए। तो ठीक है, देखिए इसमें हर एंकर को तो नहीं चाहता, इसमें इनलाइन लिख देते हैं, लिखते हैं स्टाइल कलर ब्लैक, और हमें क्या चाहिए थोड़ा स्पेस चाहिए, यूज कर दिया मार्जिन, लिख दिया मार्जिन 15 पिक्सल टॉप बॉटम, इसको कर दिया कॉपी हमने, ब्लैक कलर तो हो गया, मार्जिन भी आया, कोई नहीं मार्जिन दिया है तो हटा तो नहीं है, तो बात उस मार्जिन को हटा के हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें स्पेस दे देते हैं, नीट एंड क्लीन नहीं लग रहा थोड़ा, थोड़ा सा स्पेस देते हैं, अभी ऐसे स्पेस देकर लिखना ताकि थोड़ा समझ आ सके। हमने मार्जिन हटा दिया, तो हम क्या करते हैं, तो पैडिंग दे देते हैं, तो भाई पैडिंग दे दो मार्जिन ये ले जाए, पैडिंग 15 पिक्सल टॉप बॉटम, सिर्फ एक पे लगा के देख लेते पहले, तो सब पे लिख देते हैं, ये हो गया हमारा पैडिंग। पैडिंग का मतलब होता है स्पेस इनसाइड एलिमेंट। तो अब ये क्या कर रहा है, ये जो टीडी है ना, इसके अंदर 15 पिक्सल का स्पेस क्रिएट कर रहा है, मार्जिन हटा के 30 की जगह
ये हमारा मेन्यू जो है वो रेडी हो गया। हमारे दो सेक्शन तैयार हो गए, फर्स्ट हेडर सेक्शन और दूसरा मेन्यू सेक्शन। ये देख लो थोड़ा सा ना स्पेस आ रहा है टॉप से, राइट से, लेफ्ट से। तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि होता क्या है, ब्राउजर जो है बाय डिफॉल्ट कुछ प्रॉपर्टीज ले लेता है जैसे कि मार्जिन, हेडिंग, लाइन हाइट। तो उसको रिजोल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, अपने इंटरनल सीएसएस के अंदर जाकर आपको तो स्टार मार्जिन जीरो, पैडिंग जीरो। स्टार जो है ये ऑल सिलेक्टर है, मतलब ये आपके एस्टिमेट सारे एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर देगा। तो इसके अंदर मैंने लिख दिया कि भाई मार्जिन जीरो हो, पैडिंग जीरो, बाय डिफॉल्ट कोई स्पेस ना ले। अब देखो परफेक्ट आ रहा, कोई स्पेस नहीं है। तो ये हमारे दो सेक्शन जो है कंप्लीट हो गए। अब हमें क्या करना है, एक बढ़िया सी इमेज लगानी है पोल्यूशन से रिलेटेड। तो आप सर्च कर लो, देखो आप एनवायरमेंटल पोल्यूशन। बैनर बैनर में कुछ ठीक है, ऐसे आप चले जाओ, आप कोई भी ले लो पोल्यूशन से रिलेटेड ये ले लिखते हैं। छोटी मीटर थोड़ी सी बड़ी इमेज हमें चाहिए, लार्ज दे देते हैं 1200 पिक्सल, इसकी हाइट थोड़ी लंबी है, ये लगा लेते हैं। तो कट करके मैंने इमेजेस के अंदर रख लिया, क्योंकि हमारी सारी इमेजेस इसका मैंने नाम दे दिया बैनर। तो इसको देखते हैं, नेक्स्ट रो क्रिएट कर देते हैं, नेक्स्ट रो। इसके अंदर मैंने टीडी बनाया, टीडी में क्या लिखेंगे, कॉल स्पैन इक्वल टू 6। क्यों, क्योंकि भाई ऊपर हमने 6 कॉलम बनाए, तो हमें 6 कॉलम को मर्ज करके एक बनाना है और उसके अंदर हमें क्या करनी है, इमेज दिखानी है। तो ठीक है, हमने लिखा img src images/banner.jpg, चेक कर। देखो थोड़ी सी ना बाहर जा रही है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम लिख देते हैं कि भाई ऐसा मत करो, स्टाइल विथ 100%। 100% का मतलब होता है कि जो आपका बॉक्स के अंदर रहेगा। तो ये हमने इमेज लगा ली, हमारा थर्ड पोर्शन कंप्लीट हो गया। आप इसको रिसाइज कर सकते हो, अगर आपको छोटी इमेज लगानी है तो आप इसको रिसाइज कर लो, पेंट में जाके थोड़ा क्रॉप कर लो इसे। अब आ जाते हैं यहाँ पे, फोर्थ सेक्शन हमारा पॉल्यूशन कॉजेज। ठीक है, इसमें 3 बॉक्स बनाने हैं हमें। तो हमने नेक्स्ट रो क्रिएट करी ER, इसमें हमने सबसे पहले कॉलम बनाया ED, इसमें लिखा कॉल स्पैन 6 और हेडिंग लिख दी मैंने ये H2 मान लो, H2 है H2 पॉल्यूशन। और उसके अंदर 3 बॉक्स बनाने हैं, तो नेक्स्ट रो बना देते, इस रो को करना था, नेक्स्ट रो क्रिएट कर लिया हमने। उसके अंदर 3 बॉक्स बनाने हैं, तो ठीक है, TV कॉल स्पैन 2। उसमें क्या करना है, इमेज लगानी है, फिर हेडिंग, फिर पैराग्राफ और फिर बटन। पहले एक बॉक्स बना लेते हैं, एक बन जाएगा तो उसकी कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो लगाते हैं इमेज src। हमें सबसे पहले इमेज चाहिए किसकी, लैंड पॉल्यूशन की। तो ठीक है, निकाल लेते हैं लैंड
निकाल लेते हैं। जी जी इसको नाम दे देते हैं लैंड पॉल्यूशन। ईवेंट्स का नाम जो अगर आप रेलिवेंट रखते हो, मतलब मीनिंगफुल रखते हो, तो वो ज्यादा सही रहता है। बाकी कोई मैंडेटरी नहीं है, जो मर्जी नाम रख के लगा सकते हो। मैंने लिखा इमेजेस लैंड पॉल्यूशन डॉट जेपीईजी, और साथ ही मैंने इसे क्या करा स्टाइल हाइट 300 पिक्सल। चेक करते हैं जरा आउटपुट। पॉल्यूशन कॉजेस की स्पेलिंग मिस्टेक है एक तो, और प्लस में ईमेल लग चुकी है, तो ठीक है। पॉल्यूशन कॉजेस की स्पेलिंग जरा देख सकते हैं कहाँ रहती है। तो पॉल्यूशन कॉजेस की स्पेलिंग ठीक होगी। मैं चाहता हूँ थोड़ा स्पेस हो, देखो थोड़ा स्पेस है। तो स्पेस इनसाइड से ये क्या यूज करेंगे, पैडिंग यूज करेंगे। तो मैंने लिखा है टी आर में पैडिंग, पैडिंग विद यार टॉप बॉटम से 20 पिक्सल चाहिए और राइट लेफ्ट 30 पिक्सल से। चेक करते हैं आया कॉलम में दे देते हैं इसके लिए ऐड कट करा कॉलम में देखा। देखो स्पेस आ गया। ऐसे इमेज में स्पेस देने के लिए क्या करते हैं, कॉलम में स्पेस दे देते हैं, यही लिख देते हैं ताकि थोड़ा सा स्पेस आ गया, थोड़ा सही लग रहा है। अब इमेज के नीचे हमें क्या करना है, एक हेडिंग लिखनी है और फिर पैराग्राफ लिखना है। तो गए हम यहाँ पे अपने डिजाइन पे इसी सेम कीडी के अंदर, इमेज के नीचे मैंने लिख दिया एस थ्री लैन पॉलिश एस थ्री पी टैग यूज कर ले पैराग्राफ, तो इससे रिलेटेड थोड़ा सा कंटेंट निकाल लेते हैं नेट से। लैन यही उठा देते हैं, ये हमने पैराग्राफ रख दिए। चेक करते हैं तो देखो ये हमारा हेडिंग और पैराग्राफ आ गया। पैराग्राफ बाहर की जाए अभी और कॉलम बनाएंगे ना ठीक हो जाएगा, क्योंकि कॉल स्पेंड टू वो भी बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर नहीं हुआ ठीक तो इस कॉलम के अंदर फिर हम फिर से थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। पहले चेक कर लेते हैं इसी को, मैंने क्या करा कॉपी पेस्ट कर दिया स्टीडी को हो गया। अब करना क्या है, हमें इमेज बदल लेते हैं, नाम बदल देते हैं। तो ये हो गया लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन की इमेज निकाल लेते हैं वाटर पॉल्यूशन। तो ऐसे देखो जब आप डिजाइन बनाओगे तो ऐसे घबराना नहीं है कि भाई पहला बॉक्स बनाया तो पैराग्राफ बाहर चला गया तो गलत हो गया, नहीं। अब बनाओ बाकी के बॉक्सेस बनाओ, अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो फिर अलग तरीके से करेंगे। बाकी आप कमेंट में लिखो मेरे को कि सर ये चीज नहीं हो रही है, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। वाटर पॉल्यूशन में ये इमेज सही रहेगी, क्लियर दिख रहा काला पानी जाते हुए। ये हो गया हमारा वाटर पॉल्यूशन, तो ये है हमारा सेकंड नंबर का। फर्स्ट हो गया वाटर लैंड पॉल्यूशन, ये हो गया वाटर पॉल्यूशन। तीसरा है हमारा एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन एयर
एयर पोल्यूशन पर भी लगा देते हैं। ये हो गया हमारा एयर पॉल्यूशन। चलते अपने कोड पे, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, इमेज का नाम बदल दिया हम एयर पॉल्यूशन। तो ये हमारा हो गया लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, ठीक है। कंटेंट, कंटेंट आप चेंज कर लेना चाहे चेंज कर ही देते हैं, एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड निकाल लेते हैं। ठीक है, और हमें क्या चाहिए था, वाटर पॉल्यूशन। तो ये हमारा कंटेंट भी चेंज हो गया, तो हमारे हो गया पॉल्यूशन को यहाँ पे चलते हैं। हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब इससे आगे क्या सीधा कॉपीराइट बाय पॉल्यूशन वाला फुटर पार्ट आ गया हमारा, ठीक है। एक और में लास्ट सेक्शन रह गया हमारा, उसके बाद फिर हम नया पेज क्रिएट करेंगे। टीआर फॉल स्पैन न्यू कलर है सर, कॉपीराइट को पॉल्यूशन है सर। तो ठीक है, पर टेक्स्ट लिख लेते हैं, कॉपीराइट बाय पॉल्यूशन, कलर दे दिया हमने इसे स्टाइल बैकग्राउंड। थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग 10% और कलर व्हाइट। अब इसको सेंटर कर लेते हैं। ये हमने लिख दिया अलाइन से, ये हमारा होम पेज जो है कंप्लीट हो गया। अब हम चाहते हैं कि भाई बाकी के पेजेस बनाने, लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, बहुत सिंपल है, देखो करते हैं। इसी को आप क्या करो, सेव एज कर लो, मतलब जो आपने होम पेज बनाया इसी की एक कॉपी बना लो। तो मैंने एक पेज क्रिएट कर लिया लैंड पॉल्यूशन डॉट एच टी एम एल। अब क्या देखो, इसमें हेडर पार्ट और फुटर पार्ट तो हमारा सेम ही रहेगा, तो हम क्या करते हैं यहां से बैनर भी रख लेंगे, बैनर हम लगा लेंगे एक यहां से चेंज कर। यहां से हमने क्या करा, कोड को डिलीट कर दिया। यहां से डिलीट कर, अब वाटर पॉल्यूशन को देखो रन करते हैं। लैंड पॉल्यूशन देखो, लैंड पॉल्यूशन पर क्या है, इमेज बदल देते, लगा देते लैंड पॉल्यूशन की इमेज। लैंड पॉल्यूशन गेम लगा लेते, लैंड
जाओ यहाँ पे आपको तो। ठीक है, टाइटल चेंज कर लो इसका, ये आपका लैंड पॉल्यूशन। अब थोड़ा सा कंटेंट लिख देते हैं इसके बारे में। एक रो क्रिएट करिए, इस रो में हमने क्या करा, हेडिंग लिख दी H1 लैंड पॉल्यूशन। अब क्या है, पैराग्राफ लिख देते हैं कुछ लंबा चौड़ा सा, कॉपी पेस्ट कर देते हैं इससे। लैंड पोल्यूशन करके एक पैराग्राफ हो गया यहीं पे खत्म। ये हमारा हो गया दूसरा पैराग्राफ। दो पैराग्राफ हो गए, और आपको थोड़ा लिखना है तो आप ऐसे और लिख सकते हो हेडिंग पैराग्राफ बनाकर। एग्जाम्पल ये करके देख लो, ये कॉपी कर इसको मैंने बना दिया H2 और इसको मैंने रख दिया यूएल। पैराग्राफ यूएल हमारी फर्स्ट एलआई होगी, दूसरी एलआई होगी, जो फोर्थ है लाइक कहाँ तक है सर्वाइव, फोर्थ है लाइक होगी फिफ्थ है लाइक हमारी भाई, फिफ्थ है लाइक सेवन से लाइक लास्ट यूएल क्लोज कर सेव कर तो चेक। इसको रख दिया, कुछ गलत हुई थी इसके वजह से। तो टीआर के अंदर क्या हमने टीवी बनाया ही नहीं, इसको रियल था टीवी कॉल स्पैन 6 टीवी को बंद कर देते हैं। देखो आ गया ना हमारा, थोड़ा सा स्पेस देना है अभी भी, क्या फूटर के बाद रखते हैं गलत रखते हैं। फूटर से पहले रख, अब थोड़ा सा स्पेस चाहिए तो स्पेस दे देते हैं। स्टाइल
एडिंग 20%, मैं चाहता हूँ ये पैराग्राफ में थोड़ा सा स्पेस हो और ये हेडिंग्स वगैरह में स्पेस हो, तो मैंने ऊपर लिख दिया कि तो भाई देखो जो पैराग्राफ होंगे उसमें मार्जिन जो है बॉटम से 10 पिक्सल रहना चाहिए, ऐसे मैंने लिख दिया। अरे ठीक लग रहा है। तो ये हमारा दूसरा पेज कंप्लीट हो गया लैंड पोल्यूशन पे। ऐसे बाकी के पेज बना लेते हैं जल्दी जल्दी। सेव एज वाटर पॉल्यूशन, कुछ नहीं बस इमेज और टेक्स्ट बदलना है। इमेज निकाल लेते हैं वाटर पॉल्यूशन। ये निकाल लेते हैं। वाटर पॉल्यूशन चेक करते हैं। वाटर पॉल्यूशन ये हो गया। वाटर पॉल्यूशन उसके इससे रिलेटेड टेक्स्ट है, टेक्स्ट भी लिख ही लेते हैं। सबसे पहले हम ये हेडिंग रखी वाटर पॉल्यूशन की, तो पैराग्राफ रखते हैं इससे रिलेटेड, कंटेंट हटा। हेडिंग हो गई हमारी वाटर पोल्यूशन, ये पैराग्राफ हो गया हमारा। और इसको टाइटल बदल लेते हैं। टाइटल ध्यान से बदल लेना आप, मुझे पता लग जाएगा आपकी मैडम को अपनी कॉपी पेस्ट किया। ठीक है, थोड़ा सा कंटेंट और लिख लेते हैं इसके। तो टेबल बनाने में तो टाइम लग जाएगा, ये दे दे। इसको आप बना लो H2। ये हो गया आपका पैराग्राफ, इतना कंटेंट इनफ है। ठीक है, इतना ही छोड़ते हैं। ये हो गया हमारा थर्ड पेज कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं अपना फोर्थ पेज। फोर्थ पेज है एयर पोल्यूशन, तो वही सेम एज कॉपी कर लो, सेव एज कर लो। एयर पॉल्यूशन और टेस्टिंग, इमेज निकाल लेते हैं एयर पॉल्यूशन की। एयर बैलून सबसे पहले टाइटल बदल लेते हैं, उसके बाद बैलून का नाम बदल लेते हैं। रन करके देखते हैं। थोड़ा सा कंटेंट लिख देते हैं इससे रिलेटेड, एयर पोल्यूशन।
ये हेडिंग हो गई हमारी एयर पोल्यूशन। ये पैराग्राफ हो गया हमारा, ऐसे ये कॉपी कर लेते हैं, इसको बना देते हैं H2। ये हमारा एक पैराग्राफ हो गया। इसको कॉपी किया, ये हमने दूसरा पैराग्राफ बना लिया। ये हमारा दूसरा पैराग्राफ हो गया। ठीक है, चेक करते हैं आउटपुट। तो ये हमारा फोर्थ पेज कंप्लीट हो गया। ऐसी नॉइज पॉल्यूशन कई बना लेते हैं। सेव एज नॉइज पॉल्यूशन डॉट टेस्ट। हेडिंग टाइटल बदल देते हैं सबसे पहले, नॉइज पॉल्यूशन, और इमेज निकाल लेते हैं। तो ये नॉइज पॉल्यूशन जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, इतनी गाड़ियां हैं पैनल थोड़ा बड़ा साइज चाहिए। थोड़ा सा कंटेंट लिख देते हैं इससे रिलेटेड। नॉइस पोल्यूशन ये हमारी हेडिंग होगी, नॉइस पोल्यूशन पैराग्राफ इसका हटा के फाइल। दूसरा पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। ताकि थोड़ा सा पेज थोड़ा दिखे ना, तो तीसरा ये तीन पैराग्राफ कर सकते हैं यहाँ पर। चेक करते हैं। नॉइज़ पैनल था ये, देख रहे हो क्या दिखा रहा है, क्रोम एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। इसका एक्सटेंशन जब भी इस तरीके का दिखाया ना आपको, तो इसका एक्सटेंशन होता है वेब पी। इसका वेब पी, या तो वेब पी एक्सटेंशन होगा या फिर एस बी जी, चेक कर लीजिए। वेब पी एक्सटेंशन, तो ये हमारे पांच पेज कंप्लीट हो गए। लास्ट पेज है हमारा कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट पेज देखते हैं, कॉन्टैक्ट लास्ट पेज है हमारा ये।
और फिर हम इसको क्या करेंगे, जितने पेजेस हमने बनाए इनको एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे। कॉन्टैक्ट में क्या होगा, एक तो सब पे बैनर लगाया तो कॉन्टैक्ट पे भी एक बैनर लगा लेते हैं। कॉन्टैक्ट बैनर ये लगा लेते हैं। ये हो गया हमारा कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट मेन्यू सेम रहेगा, इसको आप कर दो कॉन्टैक्ट डॉट जेपीजी, एडिंग रख दो आप कॉन्टैक्ट। अब यहां पे क्या, मैं फॉर्म बना रहा, तो यूज कर लेते हैं फॉर्म टैग। लेबल नेम बी आर यूज कर लेते ताकि न्यू लाइन में आ जाए। इनपुट टाइप टेक्स्ट, टेक्स्ट हो गया हमारा, बी आर लगा दू। तो टेक्स्ट इनपुट हो गया हमारा, नेम, ईमेल, मोबाइल और फिर टेक्स्ट इनपुट, चार हमें चाहिए, नेम, ईमेल, टाइप हो गया हमारा ईमेल। उसके बाद है मोबाइल, टाइप टेक्स्ट रहने दो इसका। उसके बाद है मैसेज, मैसेज में हमें यूज करना है टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया। लास्ट में हमारा हो गया सबमिट बटन, टाइप सबमिट, चेक करते हैं आउटपुट। ये देखो ये हमारा कॉन्टैक्ट हो गया, तो ये हमारे 6 पेजेस कंप्लीट हो गए। अब क्या करते हैं, इनको एक दूसरे से कनेक्ट कर देते ताकि जब मैं इन पे क्लिक करूं तो पेज मेरा ओपन होना चाहिए। तो ठीक है, देखते हैं आप, ये हो गया हमारा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल और ये हो गया हमारा लैंड पॉल्यूशन, यहां से कॉपी कर लेते ताकि मिस्टेक ना हो, लैंड पॉल्यूशन डॉट एच टी एम एल, वाटर पॉल्यूशन डॉट एच टी एम एल, एयर पॉल्यूशन डॉट एच टी एम एल, हो गया नॉइज पॉल्यूशन। इस तरीके से ना सारे पेज पे करना पड़ेगा, पहले एक पे कर लेते हैं फिर वही कॉपी पेस्ट करते हैं। हो गया कॉन्टैक्ट लोकेशन। तो अब क्या करते हैं, इस रो को कर लेते हैं कॉपी। और इसी रो को हम क्या करते हैं, सारे पेजेस हमारे जो भी पेजेस बनाए हमने इन सबसे करते हैं। इंडेक्स पेज से शुरुआत करते हैं, इंडेक्स पेज पे गए हैं, रो को इंडेक्स, एयर पोल्यूशन पे गए हम। तो ऐसे आपको सारे पेजेस को लिंक करना है ताकि क्लिक करने पे पेज ओपन हो सके। हो गया हमारा एयर पोल्यूशन, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट पे तो ऑलरेडी कर रखा है, शायद हमने भी लास्ट किया था, देख लेते हैं। कॉन्टैक्ट तो हो चुका है, लैंड पॉल्यूशन पे चलते हैं, लैंड पॉल्यूशन पे हो गया, नॉइज पॉल्यूशन पे,
नॉइज पोल्यूशन तो हो गया, अब लास्ट हमारा वाटर पोल्यूशन। तो ये वाटर पोल्यूशन, अब आउटपुट चेक कर लेते एक बार। देखो ये होम पेज पे चले गए, परफेक्ट दिख रहा है ये। लैंड पोल्यूशन पे चले गए, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज, तो ये हमारे 6 पेजेस कंप्लीट हो गए विद कनेक्टिविटी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास मिल सके। थैंक यू।